महफिल जमाने पे हो पूरी पूरी बस ऐसी भी तुम्हारी महफिल इच्छा फूल बने कांटे होना चाहिए था नाम इस फिल्म का। एटम नंबर एक कुड़ी फिरे कुड़ी तो अलावा तेन और कुछ नहीं दिता व्याज 100 चीजें होंदिया लिखण वाली कट कुड़ी शरारती भी पूरी है टांग खींचने में भी ये बहुत नंबर वन पे आते हैं और इससे ज्यादा मैंने कुछ बोला तो मेरी स्क्रिप्ट में ये नहीं था। चाचा कोई ठाउन वाली होवे ते बंदा टाइम नाल उठे भी ना मेनू को कावदियां परियां ठाउंदियां आके मैं भी ता कल्ला ही उठदा साडा भावे कख ना रख वाह पर अपने तो वख ना रख दिल देना सी दे छड्या है तेरी मर्जी रख ना रख मतलब कातिलाना हो गया भाई वाह कमाल की बात है टू मच रोजी ते गुलाब पंजाबी फिल्म के तीन वो कलाकार तीन वो चेहरे जो जबरदस्त तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को और जो फिल्म आ रही है वो बड़े सारे सवाल पूछ रही है ये लव ट्रायंगल है ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है या ये क्या है भाई ये सवालों के जवाब देंगे यही हमारे साथ है गुरनाम भुल्लर गुरनाम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी प्रांजल दहिया प्रांजल थैंक यू सो मच वेलकम माही शर्मा माही महफिल जमाने पे हो पूरी पूरी बहुत हंसी भी तुम्हारी महफिल इच्छा तो जी बात हो रही है तीन लोगों की रोजी ते गुलाब पर कांटो भरी कहानी लग रही है ये इस बंदे की क्यों क्योंकि इसने फंसा लिया अपने आप को दो दो फूलों के बीच अब दोनों कांटे चुभो रहे हैं क्या कहानी है क्या बीती है इस शख्स पे आइए हम जान इनसे जान लेते हैं तो गुनाम बाजी कि वे चलता पे आपने बड़े सही डिस्क्राइब कर दिया है ऑलरेडी तो फूल बने कांटे होना चाहिए था नाम इस फिल्म का तो रोजी थे गुलाब अच्छा ट्रेलर देखा मैंने सुपर एंटरटेनिंग ट्रेलर है पंजाबी फिल्म मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए है मेरे घर वाले ये कहते हैं कि अगर आपको साफ सुथरा एंटरटेनमेंट देखना है एनी टाइम आपने सोचा कि यार कुछ लाइट देखना है कुछ एंटरटेन करने वाला देखना है और आपको दूसरे सेकंड ये नहीं सोचना यार इसमें कुछ ऐसा आ जाएगा कि फैमिली के साथ बैठे हो बाप रही क्या आ गया नथिंग ऑब्जेक्शनेबल एट ऑल तो आप पंजाबी फिल्म लगा सकते हो सो आई थिंक पंजाबी फिल्म स्टिल होल्ड द टैग ऑफ प्योरेस्ट एंटरटेनर इन दी फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया तो जी और आप तो हमें दो दो तरीके से एंटरटेन कर रहे हो आपके तो गाने भी और फिल्म भी एक्टिंग भी बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है जो ट्रेलर में हमें दिख रहा है लेकिन आपका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है फिल्म में आपके साथ कुछ और ही हो रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली फिल्म का एंटरटेनमेंट सोर्स ही ये है कि मेरे साथ कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा मेरे साथ ब्लंडर्स हो रहे हैं पहले जो हमारे फिल्म का कैरेक्टर है गुलाब तो उसकी शादी नहीं हो रही और उसके दोस्त बोलते हैं कि यार तू मैनिफेस्ट नहीं करता टारगेट नहीं सेट करता अपना तो यार कहता टारगेट कैसे सेट करूँ कहता यार अपना तेरी शादी के लिए पैलेस बुक कर लेते हैं वो कहता यार उसके लिए लड़की चाहिए होती है लड़की है नहीं और वो फिल्म देख के पता चलेगा कि क्यों नहीं है लड़की वो क्यों तो आपको 24 मई को पता चलेगी तो वो कहता कि यार ठीक है फिर ऐसे करते हैं हम पैलेस बुक करा लेते हैं और बाकी सब हो जाएगा कोई बात नहीं और कर करा के आप ट्रेलर में जैसे देखते ही हो कि सब कुछ हो गया है लेकिन भी छप गए हैं वो जो पहली पहली लाइन लिखता है कुड़ी वो कहता आज थोड़ी चाहिए है तो वो सारा टाइम वो ही बोलते 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 अब शादी वाली रात आ गई और बोलते कुड़ी आज थोड़ी चाहिए सरप्राइज स्कोर मतलब ये भी नाम हो सकता है वैसे सरप्राइज स्कोर टाइटल हो सकता था पहले हमने रखा था सरप्राइज स्कोर तो ऐसी कुछ कहानी है और जैसे आपने बोला कि हाँ पंजाबी फिल्में जानी इसी चीज़ के लिए जाती हैं कि हमारी कॉमेडी और मुझे ऐसे लगता है यार कि हर तरह का सिनेमा है लेकिन कॉमेडी सिनेमा को सब इसीलिए पसंद करते हैं कि स्ट्रेस तो हम सब की लाइफ में ही बहुत है तो सिनेमा हम जाते हैं तो हमें लगता है यार 2 घंटे मौज मज़े से खा पी के हंस के आएंगे सो वैसी लाइट हार्टेड मूवी है लेकिन जो लास्ट वाला एक चंक है वो ड्रामेटिक है बहुत और वो आपको एकदम से किसी और ही दुनिया में ले जाता है सो इस फिल्म में वो सब है जो एक ऑडियंस को जिसे हम बोलते हैं कि पैसा वसूल फिल्म है कि आपको कॉमेडी मिलेगी ड्रामा मिलेगा एंटरटेनमेंट मिलेगा म्यूजिक मिलेगा हमारी 2 सुपरस्टार्स मिलेंगी एक हरियाणा की क्वीन है और एक पंजाब की तो सब है करमजीत जी हैं हमारे शरण जी और अमृत
मनवीर ब्राड उन्होंने डायरेक्ट करी है, प्रीत संग्रेड़ी उन्होंने लिखी है, मनीष ओम जी और हम, मैं साथ में, मेरी कंपनी डायमंड स्टार प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल, कमाल की फिल्म है जी। तो जो इन्होंने मेन आपको टीजर दे दिया है ना कि किसी और दुनिया में ले जाती है, उस दुनिया के लिए टिकट लेकर के फिल्म देखना, देखनी पड़ेगी आपको। एंट्री टिकट बॉक्स ऑफिस पे है। तो प्रांजल और माही भी हमारे साथ। माही, माही ये माही वो आप ही की शायरी है ना, उसे दिल च रख कखर टाइप से समथिंग इज देयर। माही को मैं तो फॉलो करती हूँ इनकी शायरी के लिए, तो आप महफिल जम जाएगी अगर आप इनकी शायरी सुनेंगे। तो जरा वो आप चलो शुरू हो जाए ना उसी कख रख वाक समथिंग। ठीक है। साडा पावे कख ना रख, पर अपने तो वख ना रख, दिल देना सी दे छड़े आए, तेरी मर्जी रख ना रख। मतलब कातिलाना हो गया भाई, वाह कमाल की बात है। टू मच। तो खैर माही का बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट है, आप कह सकते हैं पोइट्री में, शायरी में, वो इनकी शख्सियत में भी दिखता है और मुझे लगता है कि उनके अंदाज में भी दिखता है। माही आप शुरू में तो बड़े इनके मतलब कख ना रख टाइप का एटीट्यूड है आपका, और उसके बाद कुछ कुछ बदल जाता है, कांटे के साथ गुलाब भी खिल जाते हैं, क्या हो रहा है? कहते हैं ना जब चीज़ सामने हो तो उसकी कदर नहीं होती, वो वाली चीज़ हो रही है उसके साथ। तो बाकी की जो कहानी है वो आपको फिल्म में पता चलेगी। कदर किसको नहीं है ये तो फिल्म में पता चलेगा ना, कौन किसकी कदर नहीं कर रहा। तो जिसको जिसको आपसे कदर चाहिए वो कहाँ जाए, छुप जाए? नहीं मैं ही नहीं कदर की थी, ता ही शायद मेरे ना एकदम तो स्टोरी ना डालती गुस्से जाके। नहीं नहीं गुस्सा एंड ना तो गुस्सा किसी गलिच। नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं आप यहाँ पे आज तक पे आए हो, सारी अंदर की खबर बाहर निकाल ली जाएगी। अच्छा गुरनाम दिखते बड़े मासूम से हैं, तो दिखने में ही मासूम है कि है असली में? माही बी रियल, बी रियल प्लीज। नहीं ये मासूम भी नहीं, जितना था एक जैसे एक इंसान को होना चाहिए मासूम प्लस, क्योंकि दुनिया तो बेच के खा जाएगी, है मासूम भी होना पड़ता है, जहाँ मासूमियत दिखानी है वहाँ दिखानी भी पड़ती है, जहाँ दिमाग से काम लेना है वहाँ दिमाग भी चलाना पड़ता है। अच्छा सिखा के लाए हो तो सिकोड़े नू। बिल्कुल पूरा इनको ऐसे, मैं प्रोड्यूसर्स भी हूँ तो वो फायदा तो लेता ही हूँ ना। टिपड़ा के ले सुबह उठ के इनको पहला पेपर बोलना है और ये नहीं बोलना। हम सच्चाई पता कर लेंगे, हमारे साथ हरियाणा की है, हाँ यहाँ मेजोरिटी हो गई होगी। अच्छा प्रांजल तुमने याद करा ना सब कुछ, हकीकत की आएगी। हाँ जी की हकीकत आएगी। नहीं हकीकत तो सच है कि थोड़े से है भी, गुस्सेखोर भी है, होना भी चाहिए बंदे को, और मासूम भी है, और शरारती भी पूरे है, टांग खींचने में भी ये बहुत नंबर वन पे आते हैं मेरी तो खासकर, इन्हें बड़ी छोटी छोटी चीज़ दिख जाती है, ये बड़ी टांग खींचते होते हैं, तो ये ऑल अराउंडर है। फिल्म में आपका कैरेक्टर बड़ा बबली सा, और ऐसा लगता है कि असली प्यार इनको मिल जाता है आप में, कुछ इस टाइप से हम लोग ट्रेलर में देख रहे हैं, तो क्या है एग्जैक्टली आपका कैरेक्टर, क्या डिफाइन करता है? रोज़ एक बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, चौबी सी लड़की है उसमें, और इनकी फ्रेंड कह लो, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ बोला तो मेरी स्क्रिप्ट में ये नहीं था। जो मुझे सिखाया जैसी प्रांजल है ना, प्रांजल हाँ। अच्छा आप दिल से बोलिए, एक इंटरव्यू आप दीजिए थोड़ी सी। प्रांजल को देख के आपके मन में क्या फीलिंग आती है? प्यारी सी, चुलबुली सी, क्यूट सी लड़की। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ रोज, कि उसको देखते ही प्यार हो जाता है, वो वाला है ना कि कोई लड़का, कोई बंदा, और जेन्युइनली जिस दिन ये सेट पे एंटर करी ना, तो ऐसे हम सब ने कहा कि यार ये भी कैरेक्टर बड़ा सही है। तो रोज जब आती है तो सच में एक्चुअली वो जेन्युइनली रोज ही है, और जो रोज ही है वो बहुत ही अलग है, बोल्ड है वो बहुत, जैसे दोनों एक दूसरे से अलग है लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये लव ट्रायंगल करने के कुछ चैलेंजेस होते हैं रेगुलर फिल्म स्टोरी, रेगुलर कहानी से थोड़े अलग हो जाते हैं ये?
चैलेंजेस तो क्या ही होता है होगा, मैंने कभी कोई लव ट्रायंगल किया नहीं है, मुझे पता नहीं है। वैसे इस फिल्म में बड़ा चैलेंज था। अच्छा हाँ, वो एंड में फील होता है, वो एंड में फील होता है। ये भी एंड की बात करें, ये भी एंड की बात करें, अभी की बात करो ना, कुछ तो बताओ हमें। अच्छा चौबीस तारीख को जाओ। अच्छा ये पता की पूछना चाहते भी तुम हूँ की बनता थोड़े। मैं बताता हूँ, दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं, कमाल, और इनके सूट वाह माशाल्लाह। आपने आपने दिलवाए थे? हाँ, प्रोड्यूसर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और प्रांजल ने बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स अपने लेके आई, प्रांजल, क्योंकि वो बहुत ही बिजी थी तो डेटे नहीं थे उनके पास कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के लिए लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं दोनों। अच्छा ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, ज़्यादातर जो अभी तक देखा गया पंजाबी फिल्मों में वो जो एस्थेटिक्स हैं उनमें भी वो जो एक कल्चरल वैल्यू है वो दिखती है मैक्सिमम केसेस में। मतलब ठीक है बदल रहा है, आप NRI डायस्पोरा दिखाते हैं उसमें कुछ बदलाव है, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ज़्यादातर कहानियाँ आपकी रूट्स के आसपास होती हैं। मुझे तो लगता है कि पंजाबी सिनेमा अगर बड़ा हो सकता है, हम सिनेमा को बड़ा करने की बात करते हैं, जो जो भी फिल्में कहते हैं आउट ऑफ द स्टेडियम जिन्होंने छक्के मारे हैं, तो वो सारी फिल्में उनमें पंजाबियत ही थी। और जब दिल्ली में बैठ के या बॉम्बे में बैठ के जब आप मूड बनाओगे, चलो पंजाब में तो पंजाबी फिल्म बनानी है, लेकिन यहाँ भी जैसे बोला कि हम इसीलिए पंजाबी फिल्म देखने जाते हैं कि यार वो कल्चरल फिल्म है, कोई भी ऐसा सीन नहीं आएगा कि आप ऑकवर्ड हो जाओगे, या आप मदर के साथ बैठे हो या अपनी सिस्टर के साथ बैठे हो, तो आप अपनी फैमिली को 100% कॉन्फिडेंस के साथ, अगर 5 जने हो फैमिली में तो सारे देख सकते हो, तो वो कल्चरल वैल्यू है। हम लकी हैं, ब्लेस्ड हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेड भी है, शायद इसलिए वैसी फिल्में बन रही हैं कि ऑडियंस रेडी है कि हाँ हम पंजाबी फिल्मों को पंजाबियत के नज़रिए से देखेंगे। तो अभी भी हमने भी उस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि ये पंजाब के लड़की लड़कों की स्टोरी है। जो गुलाब है वो वही गाँव का लड़का है जिसको फिक्र रहती है कि यार पड़ोसी क्या सोचेगा, शादी नहीं हुई, हाँ चाचा क्या सोच रहा है, गाँव वाले क्या बात कर रहे हैं, तो वो ही जो हमारे आज भी गांव में है वो वैसा ही है। गुना जैसे हम लोग जनरली देखते हैं ज़्यादातर सिनेमा इंडस्ट्री में, अगर हम इंडिया में बात करें, बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा यू नो टीम्स की बात होती है, गैंग्स की बात होती है, कहीं नेपोटिज्म की बात होती है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरी क्या है? मुझे ना ऐसे लगता नहीं, मुझे जिससे ऐसे आप इन दोनों को पट्टी पढ़ा के आए हो कि आप बड़ी इनसाइड स्टोरी बताने। नहीं, मैं इनसाइड स्टोरी मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि अभी फर्स्ट जनरेशन ही है पंजाबी सिनेमा में, सारे मतलब मेरे फादर एक्टर नहीं थे और मैं ही पहला हूँ, जैसे बाकी जो स्टार्स भी हैं वो भी वैसे ही हैं, तो अभी वो नेपोटिज्म वाली तो बात है नहीं कहीं पर। दूसरी बात आप बोल रहे हो कि टीमों की, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत हम अलग अलग टीमों से काम करते हैं, वो शायद एक कहीं ना कहीं न्यूज़ तो निकल के आती होगी कि लगता है कि यार यहाँ भी टीम है। दूसरा हमें ऐसे लगता है कि यार मतलब घर से तो कोई भी नहीं लेके आया, जब हमने फिल्में बनाने का सोचा तो हम सब ने अपने घर से पैसे लगाए, हमने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करी, तो जो ये ऐसा चांस है चाहे वो हिंदी फिल्म है, बॉलीवुड है या बॉलीवुड है, तो ये एक गेम है, तो आपको अपना चांस तो खुद छीनना ही पड़ता है, आपको कोई भी ऐसे बनी बनाई जगह नहीं देगा कि आओ। लेकिन हिंदी सिनेमा ज़्यादा ब्रूटल है उस लिहाज से, मतलब स्ट्रगल के लिहाज। देखिए हिंदी सिनेमा के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ हम जाते नहीं हैं, हम सिर्फ एडिटिंग करते हैं बॉम्बे हमारी फिल्मों की, शूट हम सारा, तो लेकिन पंजाब में इतना है कि हर एक को आज की डेट में इतना हक है कि वो अपनी फिल्म बना सकता है और फिल्म लगा सकता है। अब ऑडियंस को पसंद तो दुनिया में कोई भी नहीं करवा सकता, ऑडियंस अपने आप डिसाइड करती है। अभी पंजाब में माहौल अच्छा है और मुझे लगता है पंजाब में अच्छा ही रहेगा। चलो ये अच्छा रहे, हम यही चाहते हैं। तो माही क्यों देखें लोग रोज रोजी और गुलाब? क्योंकि हम माही तो हैगी है हमेशा स्टेज पे जाके भी बोलती हूँ क्योंकि गुरनाम की ना कुड़ी लड़कियों में बहुत फैन फॉलोइंग है, लड़कियाँ ऐसे पिछले साल के बाद से भी गुरनाम है। अच्छा हाँ जी, ऐसे देख के मतलब गुरनाम करती है, तो ऑफ कोर्स लड़कियाँ जरूर जाएं गुरनाम को देखने, और हरियाणा लड़के माही को देखने, हरियाणा सिरसा और कुरुक्षेत्र, और सारा ही हरियाणा मतलब जो भी है, तो पंजाब वाले भी
बट मैं चलो पंजाब च अपना नाम ले लैनी क्योंकि असं हिस्से डिवाइड कर लें ना तो वो प्रांजल देख जाते बाकी मैं देख जा जो शायरी को प्यार करते वो मुझे देखने जाए ना। तो है ये बात लड़की ने ठीक करी है। मैं फैन हूँ माई की शायरी की। तो महफिल के लिए जाइए शायरी के लिए। चलो ठीक है माई की महफिल जमाएंगे हम लोग बिल्कुल। तो प्रांजल बता दो रोज रोज ही गुलाब क्यों देखने जाए लोग। पहले तो हम सारे हैं उसमें और मैं फिल्म में आ रही हूँ पहली फिल्म है मेरी तो हरियाणा वालों ज़रूर जाना देखने सारे ही जाना क्योंकि पंजाब में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है बहुत सपोर्ट मिल रहा है इतने प्रमोशन टूर्स करे तो सब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तीसरी ये कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है पर्सनली हमें बहुत ज़्यादा पसंद है हमने करी है तो ऑब्वियसली हमें पसंद भी ज़्यादा है और माही है गुरनाम है प्रांजल है देखनी तो बनती है। आप एक तो प्रोड्यूसर हो इसलिए देखे बिल्कुल भाई मेरे घर से पैसे लगे ये देखोगे तभी अगली बना पाऊंगा इसको इतना तो देखो कि मैं अगली बना पाऊँ बट मुझे ऐसे लगता है कि हाँ दोनों हीरोइंस के साथ हमारा एलवी के बैग की डील हुई है। बुटेगा को तो मुझे रेट भी नहीं पता प्रांजल एलवी भी बहुत सोमार होया सुपर हिट होनी पैनी है फिल्म तो मुझे लगता है कि फिल्म में ना सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे देखने में शायद लग रहा है कि ट्रेलर में कुछ क्योंकि हम कितना ही अच्छा ट्रेलर काटने की कोशिश करें बहुत चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं। अगर आपको ट्रेलर एंटरटेनिंग लग रहा है तो वो सिर्फ 2% है फिल्म का बहुत एंटरटेनमेंट है आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और सिर्फ ये इस फिल्म इसके बारे में नहीं है कि एक लड़के की शादी नहीं हो रही और अभी वो फंस गया कि किसके साथ जाए इसके बिना भी फिल्म में बहुत कुछ है जो आपको सिनेमाज में जाके पता चलेगा। चलो जी हम सिनेमा जाएंगे और अभी एक गाना हो जाए जो आपका मन करे फिल्म से ही हो जाए कोई गाना। चलो जी ओ जोड़ी तेरी मेरी मखणी मलाइया नी तू लेखा विच जट ने लिखाइया नाम मित्रां दा चले अज पीक ते तेरा हुसन भी ठाल दा तबाइया मुंडा अलड़ां दी रीज वरगा तू किसे आशिक दे खाब वरगी सोना गबरू गुलाब वरगा तू रोजी रंगी ए शराब वरगी ओ तेरा मुखड़ा लाहौर वरगा साडी टौरिया पंजाब वरगी गबरू गुलाब वरगा। गबरू गुलाब वरगा हैगा नहीं है नहीं पता ए गुलाब हैगा ए भी गुलाब यार तुसी मेरे ते होने ही ट्रस्ट तुसी होने ही आपका ट्रस्ट तोड़ता यार मैं भी गुलाब ही है ए भी गुलाब है गमले दे नाल ट्रेलर देखा है उसको बड़ी गहराई से देखा है तो आपको बोर तो कहीं से नहीं करने वाली है। नीट एंड क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट हैप्पीनेस एंड दैट्स ऑल यू वांट व्हेन यू वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली एंड एज आई पर्सनली से ऑलवेज कि पंजाबी फिल्म्स आर ऑल अबाउट गुड टाइम विद योर फैमिली और ये फिल्म भी उसी लिस्ट में से एक है तो ज़रूर जाइएगा देखने। रिलीजिंग ऑन 24th May समर वेकेशन भी हो गई होंगी तो और फैमिली बड़ी बढ़ गई है सब बच्चे भी जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच थैंक यू गुरनाम प्रांजल एंड माही फॉर टॉकिंग टू अस थैंक यू सो मच थैंक यू।